नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के सभी प्रमुख राजनीतिक चेहरे इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ये जुड़ाव मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा अंचल में होगा। प्रदेश कांग्रेस ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए 250 नेताओं का नाम केंद्रीय कार्यालय को भेज दिया है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को एमपी में प्रवेश करने वाली है। इसके लिए वहां तैयारियां जोरों पर है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी इस यात्रा में शामिल होने की तैयारी तेज है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से 250 यात्री 25 नवंबर को एमपी के लिए रवाना होंगे। वहां 26 से 28 नवंबर तक सभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में बीजेपी के कई दिग्गज प्रचार में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुजरात में प्रचार करने आए, जहां सीएम शिवराज ने गुजरात में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा, वो आपको सुनाएंगे। बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई ना नेतृत्व में गुजरात राज्य मजामा छे अने समग्र देश खुश छे। आप सबको प्रणाम। हूँ मध्य प्रदेश ना दीकरा अने दीकरी ओना मामा छू। तेम गुजरात ना दीकरा अने दीकरी ओनो पण मामा छू। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, बरसों से जो संगठन का काम देख रहे हैं, गुजरात खुश है। गुजरात खुश इसलिए है कि नर्मदा मैया का पानी आखिरी कोने तक पहुंच रहा है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। गुजरात खुश है 181 अभियम हेल्पलाइन के कारण यहां के भाई बहन सुरक्षित है। गुजरात खुश है क्योंकि गुजरात पावर जनरेशन और स्वच्छता सर्वे में देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। गुजरात खुश है, देश में सोलर पावर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है गुजरात, और सूरज से कच्छ भी बिजली बना के सारे देश में भेज रहा है। गुजरात खुश है क्योंकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात खुश है क्योंकि एक्सपोर्ट और एफडीआई इन्फ्लो में गुजरात देश में सबसे आगे है। गुजरात खुश है क्योंकि पहले केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, अब गुजरात में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। गुजरात खुश है क्योंकि ओडीएफ स्टेट है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, आप भी सुनिए। लाइन में मौत नहीं हुई है, उनको खाद की पर्ची मिल चुकी थी। खाद की पर्ची मिलने के बाद वो लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको अटैक आया है। परिवार के लोगों से भी बात हुई है उनके लोगों की, लेकिन जहां तक सवाल कमलनाथ जी के ट्वीट का है, जहां तक सवाल कांग्रेस का है, ये वही कांग्रेस है जो किसानों पर खाद के लिए लाठी चलवाती थी। ये वही कांग्रेस है जो किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। राहुल गांधी से झूठ बुलवाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी थे कि 10 दिन में 2 लाख का नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो आ रहे हैं राहुल गांधी, या तो माफी मंगवा दें या स्पष्टीकरण दिलवा दें, कुछ तो करवा दें राहुल गांधी से अपनी यात्रा के लिए। केजरीवाल जी ने 2 पैमाने रख लिए मंत्रियों के लिए। सत्येंद्र जैन जी जिन पर गंभीर आरोप हैं, उनकी वो 3 महीने से मसाज करवा रहे हैं।
इस्तीफा नहीं लिया और पंजाब के मंत्री से एक ही दिन में इस्तीफा मांग लिया था। वहां अपने आप की पीठ ठोक रहे थे और यहां 3 महीने से मालिश करवा रहे हैं वो। अब ये कौन सा नियम है? ये केजरीवाल जी वही है जो कहते थे कि हम वो लोग हैं जो सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, नैनो गाड़ी से चल के लोगों को दिखाते थे, और अब सुख सुविधाओं का ऐसा मोह है कि जेल में भी सुख सुविधाएं नहीं छूट पा रही। स्वाभाविक रूप से देख रहे होंगे अपन, पहले तो मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जो उनकी यात्रा है राहुल गांधी जी की और मध्य प्रदेश में जो आ रही है, उसमें जो उन्होंने खालसा कॉलेज इंदौर का है, तो आग्रह है मेरा उनसे कि उस स्थान पर कमलनाथ जी के जाने के बाद से विवाद उत्पन्न हुआ था, संत जी जो कानपुर वाले हैं उन्होंने बोला था, तो मैं आग्रह ही कर सकता हूँ कि इसे ऐसे स्थान पर न जाएं जिससे पुनः आक्रोश हो। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्रिपल टी का फार्मूला दिया है, विषय दिया है, ट्रेस टारगेट और टर्मिनेट, आतंकवादी गतिविधियों को और संगठित अपराधों को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के निर्देशानुसार इसमें भी सख्त कदम उठाने जा रही है। जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आने वाले माह में बैठक करके इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार वैसे भी PFI और जैसे संगठनों पर कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। एक और विषय है ऑनलाइन गेमिंग का, इसमें गृह विभाग ने अब प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और अब ये कानून के दायरे में आ जाएगा। जो पूर्व का कानून था द्रुत क्रीड़ा वाला, जुआ एक्ट वाला, उसमें संशोधन करके इसको अब वरिष्ठ सचिवों की समिति के लिए भेजा जा रहा है, उसके बाद कैबिनेट की ओर ये प्रेषित होगा। और रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में भी इसमें विचार है और ऑनलाइन गेम मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कैसे होंगे, ये सारा का सारा प्रस्ताव वरिष्ठ समिति को जा रहा है। इस घंटे में कोरोना के संपूर्ण प्रदेश में एक नया प्रकरण आया है, जबकि 6 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में 22 एक्टिव केस वर्तमान में है। सैंपल कलेक्शन जो हुआ है वो 2909 का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.03 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है, स्थिर है। 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। कल जो हमारा वैक्सीनेशन 24 घंटे का है वो 8,888 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,40,677 लोगों का। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता विकास को ही चुनेगी। इस दौरान उन्होंने BJP की जीत का दावा भी किया। और क्या कुछ कहा CM शिवराज ने, आपको सुनाएंगे। समय महाविनाश हुआ था, लेकिन अपने परिश्रम से नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़े हो गए मोदी जी ने, और कच्छ की जनता ने कच्छ को फिर से खड़ा कर दिया। और ये नरेंद्र भाई भागीरथ बन के आए, नर्मदा जी जो मध्य प्रदेश से आती है उसका पानी नर्मदा जी का कच्छ और भुज तक लाना, ये नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है। और यहां भी अब नर्मदा जी का पानी पाइपलाइनों के जरिए आ रहा है। विकास की नई गाथा लिखी गई है गुजरात की, और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मैं गुजरात की जनता से आज ये मेरी दूसरी सभा जो उत्साह दे रही है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि विकास और जन कल्याण के लिए लोग डबल इंजन की सरकार नरेंद्र भाई भूपेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देंगे। प्रद्युम्न जी
भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देके आए थे। कांग्रेस के विधायक थे, जरूरत नहीं थी, विचारों से प्रेरित और प्रभावित होकर आए। जनता को, जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ जनता के मन में जो प्रेम और श्रद्धा श्रीमान नरेंद्र भाई के लिए है वो अद्भुत है। गुजरात का भी विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार नरेंद्र भाई भूपेंद्र भाई ने कच्छ के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। टैलेंट तक नर्मदा जी का पानी आ रहा है, सभी दिशाओं में विकास हुआ है। उसकी जनता विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र भाई के साथ है। अब कांग्रेस और केजरीवाल रंगीन सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गुजरात जानता है मोदी जी कल्प वृक्ष है। मोदी है तो मुमकिन है। सर वीर सावरकर जी जो के बारे जरूरी में है, जो जरूरी है वो मोदी जी देश को भी दे रहे हैं। गुजरात एमपी के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का गुजरात में एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि अपने प्रभार विधानसभा क्षेत्र कांकरेज में कार्यकर्ताओं की बैठक से लौटते समय भिल्डी में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में उन्हें हल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि कार को रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, इससे मंत्री विश्वास सारंग की कार क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि इस वक्त गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनेक राज्यों से बड़े नेता, सरकार में मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राज्य में प्रवास पर हैं। इसी क्रम में विश्वास सारंग समेत राज्य सरकार के तमाम मंत्री गुजरात दौरे पर हैं। इस समय भूपेंद्र शर्मा, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार और अरविंद भदौरिया को गुजरात विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं एमपी के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेला विधानसभा अब फ्लाईओवर विधानसभा बन चुकी है। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। आपकी प्रसन्नता है कि एक नहीं पांच पांच फ्लाईओवर मैंने नरेला विधानसभा में संपन्न कराए। जो तो बनकर तैयार हो गए, तीसरे पर काम चल रहा है, चौथे का टेंडर हो गया। कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहे मजदूर की रोटावेटर की चपेट में आने से दुखद मौत हो गई। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर नाका चौकी के समीप कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कार्य कर रहे मजदूर की रोटावेटर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो जाने की घटना सामने आई है। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र प्रक्षेत्र परिसर है, जो अनार एवं आम की एक इकाई है। तो इसमें रोजाना की भांति पूरे प्रक्षेत्र में कृषि कार्य चलते रहते थे। तो कृषि अभियांत्रिकी विभाग के हम लोग जो गवर्नमेंट ट्रैक्टर है विद ड्राइवर के, उनसे यहाँ पे कृषि कार्य करवाया जा रहा था। तो अचानक लेबर रोटावेटर में आ जाने के कारण वो फंस गया और फिर हम लोग ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उसका देहांत यहाँ हो गया है। और फिर पूरी जो कागजी कार्रवाई है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी पूरी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो घटना घटी है उस पर सभी कृषि विज्ञान परिवार और सभी को बड़ा ही दुख हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता अपन कहें या कार्य करने वाला, जो कि विगत कई वर्षों से केवी कृषि विज्ञान केंद्र के पास में रोटावेटर से एक मृतक नंदराम की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट से, तो उसी की सौ पंचनामा कार्रवाई हो गई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर चलने वाली कांग्रेस ने अब तक श्रद्धा हत्याकांड पर कुछ क्यों नहीं कहा। तो वहीं उन्होंने अन्य विषयों पर भी मीडिया से बात की, आप भी सुनिए। बहुत सारे आए थे आफ्ताब में, क्यों आएंगे? एक एससी वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े हो गए,
न राहुल जी का कोई बयान, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान। बेटी हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका जी, वाड्रा जी, कोई बयान नहीं। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए शरीर के, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए। ये तुष्टिकरण की राजनीति इसको कहते हैं। सोनिया गांधी जी बटाला हाउस में आतंकवादियों पर आंसू बहाने गई थी, 35 टुकड़े जानवरों को खिला दिए फेंक फेंक के, किसी के मन में पीड़ा नहीं आई, न अवार्ड वापसी गैंग आई, न तुष्टिकरण वाला कोई इस बात पर बोल रहा है। कैसी स्थिति है देश समझता है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो निंदा भर कर दे आपताप की, एक भी दल नहीं है। देशवासियों को सोचना चाहिए, प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूस जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही हैं? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया था? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? यह भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। सलकनपुर मामले में जो अनिल खरे और शुभम दोनों व्यक्ति हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। जो भ्रम की स्थिति हो रही थी, 6 बोरे ले गए थे, सीसीटीवी में ले जाते हुए वो 6 कट्टे दिख भी रहे हैं, लेकिन ले जाने की दृष्टि से उनने 2 उसमें कन्वर्ट कर लिया था, 2 बोरों में, कट्टों को बोरों में कन्वर्ट कर लिया था। और जिस हिसाब से 1 बोरे के अंदर वो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं, उस हिसाब से पूरे 10,28,000 बरामद भी हो गए, पैसे भी आ गए हैं पूरे के पूरे, और इनसे विवेचना और जारी है, पूछताछ लगातार जारी। बाकी के दल सिर्फ विधानसभा होने पर ही विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत संपर्क वाली पार्टी है, जनता की सेवा वाली पार्टी है, नवाचार करती है, विधायकों से नीचे का फीडबैक लेकर के ऊपर और सरकार के द्वारा किए गए काम नीचे तक। ऐसा एक जो लागू किया गया है, यात्राएं जो निकलने वाली हैं, पार्टी के कार्यक्रम, विकास के कार्यक्रम, शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब कार्यक्रमों की दृष्टि से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इन सभी विषयों पर। एमपी के रीवा से खबर है, बता दें कि ओबीसी महासभा के द्वारा आज राजनिवास में पत्रकार वार्ता कर कहा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद 50% की सीमा समाप्त हो गई, अब कोई रोक टोक ना रही है, इसलिए ओबीसी महासभा देश भर में जातिगत जनगणना करा के अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने का ऐलान कर दे और मध्य प्रदेश सरकार पर मौखिक हमला इस दौरान बोला गया। सरकार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और हम पहली लड़ाई हम जीत चुके हैं इस बार, तो हम लोग इस लड़ाई के लिए लगातार इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, हमारा किसी समर्थ से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे जो महापुरुषों ने बोला जिसकी इतनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी, यदि समणों की संख्या इतनी है उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और यदि हमारी है तो हमारे साथ ऐसा ना करें कि हमारी 50% है और हमको एक रोटी दी जाए।
ये है ना अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, और इसके लिए वो भी इसकी महासभा और सभी क्रांतिकारी साथी इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ेंगे और लड़ेंगे। रीवा में सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा समदड़िया मल्टीप्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा के व्यापारी वर्ग सहित विधायक राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। कंपनी को दिए अपने उद्बोधन में विधायक शुक्ला ने कहा कि रीवा का विकास बहुयानी है और बड़ी बड़ी कंपनियां रीवा जैसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रही हैं। बहुत तेजी के साथ अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमी को पांच ट्रिलियन ले जाना है, तो हर व्यक्ति को काम पे जोड़ना पड़ेगा और उनको आईटी सेवी बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से तेजी के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करे और अपना भी डेवलपमेंट करे और धरती का भी डेवलपमेंट करे। रीवा में मुझे बड़ी खुशी होती है, मार्ग भी आर पी आ रहा है, ऋषि इंफोटेक ने अपने यहाँ पे ऑफिस खोला हुआ है, आपका जोनल मीटर यहाँ बैठा है, तो उसके साथ जुड़े हुए। रीवा में नशीली कफ सिरप के खिलाफ रीवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रीवा के हनुमना में थाना प्रभारी शैल यादव के नेतृत्व में हनुमना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 1400 सीसी नशीली कफ सिरप ऑनरेक्स के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो है MP17CB2112, उससे यहीं खटखरी के लोग हैं, वो नशीली कफ सिरप का कारोबार करते हैं और यूपी तरफ से वो कफ सिरप की खेप ले करके आने वाले हैं। हमने तत्काल बॉर्डर पे घेराबंदी की और करके हमने यहीं हाईवे के पास बॉर्डर के जस्ट आगे हमने उस बोलेरो को पकड़ा। बोलेरो में 2 लोग मिले और उस बोलेरो में तलाशी के दौरान 800 सीसी नशीली ऑनरेक्स कफ सिरप मिली। जो दो लोग मिले उसमें सरफराज अंसारी और सैफ अली, ये दोनों निवासी देवरा खटखरी के हैं। इनने बताया कि इनका एक दोस्त है अरमान मोहम्मद, वो इनको परीक्षा लाने के लिए फंडिंग करता है, उससे बैलेंस लेते हैं और ले जा करके यूपी से बनारस से ले आते हैं और ला करके और यहाँ पे खटखरी मऊगंज में लोगों को सप्लाई करते हैं। और इनका रीवा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पीके स्कूल के पीछे रहने वाले उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग के अतिरिक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव के यहां दर्जन भर लोगों ने घुसकर गाली गलौज करते हुए घर में लगे बिजली के मीटर को तोड़ दिया और घर में रखा अन्य सामान ले गए। इसके साथ ही घर में लगे 20 से 25 फीट के हरे भरे पेड़ भी काट कर ले गए। अपने ही घर का हरा पेड़ काटने के लिए शासन प्रशासन की अनुमति चाहिए, तो दूसरे के घर का हरा पेड़ कोई कैसे काट सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्रम यह है कि 11 अक्टूबर को हमारे बगल में लगने वाले रमा निवास शर्मा और नगर निगम के सब इंजीनियर मनोज सिंह अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर के हमारे बाउंड्री में लगभग 11:30 बजे प्रवेश किया और उसके बाद मुझसे कहा कि मैं ये दोनों पेड़ काटूंगा। मैंने जब मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे ये पेड़ काटना है, अगर तुम विरोध करोगे तुमको भी काट दूंगा ये पर। और उसके मेरे साथ धक्का धुक्की किया, गाली गलौज किया और उसके बाद पेड़ काटना शुरू किया। पहले उन्होंने मुनगा का पेड़ काटा, उसके बाद इसका पेड़ काटना, आधा जब पेड़ काटा था तो मुझे फ़ोन आने लगे भोपाल से, मुझे अपने दायित्व का काम करना था सरकारी, इसलिए मैं जब चला गया अपने कार्यालय, जब वहां शाम को इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।